किताब को जिस तरीके से स्ट्रक्चर में डाला गया है उस पर मैं थोड़ी बातचीत करूंगी। इसमें एक जो सबसे पहले है वो सबसे ऊपर एक अवधारणा लिखी गई है, कक्षा है, उसका कोई अध्याय है, जैसे तीसरी कक्षा अध्याय 3। उसके बाद सबसे पहले समयावधि, उस चैप्टर को आपको कितने घंटे में पढ़ाना है। सुबह आपसे बात हुई होगी 45 मिनट्स की, उसमें तो मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो टाइम अलॉट किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये है संख्याएं, 12 घंटे में इसको खत्म करना है, लेकिन ये 12 घंटा जो है अनुमानित है। ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटे में ही खत्म करना है, हो सकता है कि आपकी कक्षा कक्ष में जो बच्चे हैं वो इसे 10 घंटे में सीख लिए, या हो सकता है कि इसके लिए आपको 14 घंटे लग गए, लेकिन एक अनुमानित समय को जब इसको निर्धारित किया गया था तो इसको कुछ कंपार्टमेंट्स में बांटे गए थे इसके अंदर, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो वो भी बांटा गया था। और उसको ध्यान में ऐसे कि गतिविधि मान लो 4 है, तो आधे घंटे की अगर एक गतिविधि होगी या 40 मिनट की एक गतिविधि होगी, तो उस तरह से ध्यान में रखते हुए, छोटी गतिविधि है तो कम समय लगेगा, बड़ी गतिविधि है तो ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक स्कूल में गए और हम लोगों ने एक गतिविधि का टाइम डाला था आधा घंटा, और हम 1.5 घंटे तक वो गतिविधि करवाते रहे और बच्चे भी मस्ती करते रहे और हम भी मस्ती करते रहे और पूरा समय निकल गया, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि अपने पास समय कम है, 1 घंटा ही है सुबह का, तो आप उस वक्त थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आप उस एक्टिविटी को आगे भी टीचरों से कंटिन्यू करवा सकते हैं अपनी कक्षा कक्ष में। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ सारे नवाचार 50-1 घंटे में ही करना है, आप अपनी कक्षा में भी जाके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया को अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों को हमने सीमित किया है। तो समय अवधि में हमने इसको जो डिफाइन किया है, अपेक्षित पूर्व ज्ञान, मैं बताऊंगी कि अपेक्षित पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व आकलन, गतिविधियां, कुछ कार्यपत्रक, उसके साथ अनुवर्तन, विस्तारीकरण, समग्र आकलन, ये सब में डिफाइन किया गया, हर चैप्टर के ऊपर इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो है वो है सीखने के बिंदु, जो आपने तय किया है कि मुझे इस 12 घंटे में बच्चों को सिखाना है, उसको हम लोगों ने सीखने के बिंदु के अंदर डाला है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शून्य की अवधारणा, ये सीखने के बिंदु है, जो हम मैं जब इस कक्षा में 12 घंटे बाद निकलूं तो मेरे सभी विद्यार्थियों को शून्य की अवधारणा आनी चाहिए। ऐसे ही 3-4 चीज इसके अंदर मैपिंग की गई है, कहीं 2 कहीं 3, और उसके अनुसार हमारी जो समयावधि है उसको तय किया गया है। उसके बाद अपेक्षित पूर्व ज्ञान, जो अपेक्षित पूर्व ज्ञान है वो आधारित है आपके सीखने के बिंदु पर। मान लीजिए मुझे 1 से 100 तक की गिनती आती है, या मुझे सीखना है 100 से मुझे 99 तक की गिनती आती है, और मुझे सीखना है 100 से 500 तक की गिनती, तो आप हमसे क्या अपेक्षा करोगे कि मुझे क्या आनी चाहिए? मुझे सीखना है 100 से लेकर 500 तक की गिनती, तो बीइंग अ टीचर, आप, मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो आप मुझसे क्या अपेक्षा करोगे कि मुझे क्या आनी चाहिए इससे पहले? मुझे 99 तक की गिनती आनी चाहिए, उसकी अगर मेरी समझ होगी तभी मुझे आगे की गिनती का पता चलेगा, मैं सीख पाऊंगी। अगर मुझे पहले की गिनती आती ही नहीं है तो आगे आप कितना भी मेरे साथ काम करोगे मैं वही की वही खड़ी रहूंगी। उसको हम लोगों ने अपेक्षित पूर्व ज्ञान में डाला है। इसमें 2 चीजें हम लोगों ने की है, एक तो जो अपेक्षा है उसके ऊपर कुछ गतिविधि डाली है और कुछ कार्यपत्रक, जिससे कि हम फील कर सके कि हमारे बच्चों को ये चीज़ आती है कि नहीं। अगर नहीं आती है तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आप बार बार पहले ये काम करवाइए,
तभी आप आगे जाइए, आगे नहीं जाइए। तो कुछ इसमें हम लोगों ने, कल आप लोग देखेंगे या इसमें जो आपको प्रिंट आउट मिला है, वहाँ गतिविधि भी इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने और कुछ कार्यपत्र जो इस किताब का ढांचा है, जहाँ सब कुछ है। इसके बिना ये किताब जो है अपने आप में अधूरा है, वो है सीखना सिखाना। और सीखना सिखाना में हम लोगों ने बहुत सारी गतिविधियाँ इंट्रोड्यूस की है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन। पहले आप ऐसे सिखाइए, फिर ऐसे सिखाइए, फिर आप ऐसे सिखाइए, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार। और कोशिश की है कि सारे गतिविधियों के बाद तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ गतिविधियों के बाद या कहीं कई जगह सारे गतिविधियों के बाद हम लोगों ने कार्य पत्रक भी दिए हैं उसके अंदर। लेकिन ध्यान देने योग की जो इस किताब का में जो चीजें हमने जो इसमें डिफाइन किया है, एक शब्द है सोच विचार। सोच विचार ये कहता है कि हर गतिविधि की प्रक्रिया में आप बच्चों से किस तरह के सवाल पूछेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ से चीजें चलती है और बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अच्छा ये बताओ ये क्या है, क्या है ये मार्कर, क्या होता है, क्या होता है मार्कर, हाँ? अच्छा ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने, मैंने तो सुना ये व्हाइट बोर्ड पे लिखी जाती है, सर ने कहा, हाँ व्हाइट बोर्ड की ब्लैक बोर्ड, अच्छा ये व्हाइट बोर्ड क्या होता है, हाँ श्वेत पत्र। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि ब्लैक बोर्ड जो है वो आयत है कि वर्ग, आयत है, कैसे पता आयत है, हाँ अच्छा दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर है ये सिखाया गया है, तो मेरे हिसाब से वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो वो तो एक दूसरा प्रॉपर्टी है सर जी, लेकिन उनमें भी दोनों आमने सामने की भुजाएं, सोच विचार यही है कि आप ऐसा नहीं कि पढ़ाया और चल दिया, आपको चर्चाएं करनी है। और जो एक बच्चा है ना जो डर रहा था, ऐसे बच्चों को यहाँ मंच पर लाना है और उनसे बातचीत करनी है और करवानी है। ये डेमो जिसको बोलते हैं, डेमोंस्ट्रेशन, कि बच्चा करके तो देखे, यहाँ से वहाँ तक आने में जो उसकी धुकधुकी है उसको कैसे खत्म करना है। तो ये सोच विचार को हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि सोच विचार में बच्चे को आप सोचने के लिए मजबूर करें। उसके अलावा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है निर्देश, उसकी अवहेलना ना करें, क्योंकि निर्देश में हम लोगों ने बार बार इंडिविजुअल लर्निंग, व्यक्तिगत सीखने सिखाने की बात हमने की है, पीयर लर्निंग की बात की है हमने, ग्रुप लर्निंग की बात की है हमने, कि कैसे बच्चे समूह में सीखते हैं। आपको यहाँ पे समूह बनाना ही है, यहाँ पे आपको दो दो बच्चों के साथ काम करना है, यहाँ आपको अकेले बच्चे के साथ काम करना है, यहाँ आपको बड़े समूह के साथ काम करना है, यहाँ पे इस तरह के भी इंस्ट्रक्शन को बार बार दोहराया गया है। उसके बाद जब हम सोच विचार और निर्देश की हम बात करते हैं, तो बाद में हमने इसके साथ एक अनुवर्तन रखा है। अनुवर्तन मतलब आपने जितनी भी पढ़ाई है बच्चों को, अगर आपको लगता है कि अभी भी बच्चे नहीं सीखे हैं, तो आप बार बार इसका अभ्यास कैसे करवाएंगे, वहाँ भी कुछ हमने इंस्ट्रक्शन अनुवर्तन के तहत दिया है। आकलन है जब 12 घंटे के बाद आप तय कर लिए कि अब हमारे बच्चे जिस सीखने के बिंदु को हम लेकर चले थे वो सीख चुके हैं, तो आप ये समग्र आकलन, इसमें फिर कोई स्तर नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरी कक्षा के सभी बच्चे इसको सीख चुके हैं, और वहां पे हम समग्र आकलन करेंगे। और जरूरी नहीं है कि इसमें जो कार्यपत्रक दिया है वही करना है आपको, आप कार्यपत्रक को बदल सकते हो
अपने तरीके से और अपने सुविधा के अनुसार। यहाँ सिर्फ एक तरीका या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और सबसे अंत में जो इसमें एक जोड़ा गया है वो है विस्तारीकरण, कि इस चैप्टर को आप किस तरह से दूसरे चैप्टर से जोड़ सकते हो। ये जो आपने पढ़ा, ये जो शिक्षण बिंदु जो आपने पढ़ाई की, वो कैसे आपको पैटर्न में सपोर्ट करेगा। संख्या पैटर्न की जब बात करेंगे, अगर संख्या आएगी तभी हम संख्या पैटर्न की बात करेंगे, या इस तरह की और कई चीज, या पर्यावरण अध्ययन में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें उसको मेंशन किया गया है कि आप इस चैप्टर को दूसरे विषयों के साथ कैसे जोड़ सकते हो, या आप आगे के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाओगे उसमें ये कैसे काम आएगा। और सबसे अंत में जब ये किताब को पूरा खत्म कर लोगे, तो पीछे पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में हमने अतिरिक्त कार्यपत्रक इंट्रोड्यूस किया है, जो बीच के कुछ कार्यपत्रक को हम पीछे कर दिए हम लोगों ने, और उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया कि इस कार्यपत्रक का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे फ्लैश कार्ड, एरो कार्ड, स्टोरी कार्ड, अंक चक्री, शब्द चक्री, ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को भी स्कैन करके किताब के पीछे, जिससे कि टीचर्स अपनी कक्षा में अगर बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, नहीं तो परिवेशीय चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शिक्षण बिंदु के साथ गतिविधि करवा सकते हैं। और सबसे अंत में एक मूल्यांकन के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें कि ये सभी शिक्षण बिंदु डाले गए हैं और बच्चों के नाम लिखे जाएंगे उसमें। इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें कि सभी बच्चों का नाम लिखा जाएगा। प्री में बच्चों को सिखा रहे थे, जब पोस्ट हो जाएगा तो आप टिकिंग, मतलब टीचर्स टिकिंग कर देंगे, और उनको लगेगा कि एक आप जब जाएंगे तो आप उस फॉर्मेट को खोल के आप देख सकते हो कि हमारे सभी 40 बच्चे अभी किस किस स्तर पे और कहाँ कहाँ हैं। तो एक इस तरह का मैप पीछे तैयार किया।